इलेक्ट्रिक वाहन बीते कुछ समय से चर्चा का एक विषय रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों के चलते ही लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों का रास्ता पकड़ रहे थे। इस पहल की शुरुआत हो ही रही थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की समस्या आने लगी। कई राज्यों में बड़ी ही तेजी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन देखने को मिला था। खासकर दक्षिण भारत में ईवी को लेकर एक अलग तरीके का ही क्रेज देखने को मिला। ओला इलेक्ट्रिक, बूम प्योर, जितेंद्र ईवी, ऑटोटेक और ओकिनावा जैसी कई कंपनियों के स्कूटर मार्केट में हैं। पुणे, चेन्नई और तेलंगाना जैसे कई जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उत्साह देखा गया था। इन इलेक्ट्रिक स्कूटर में अब समस्याएं आने लगी हैं। स्कूटर्स में खड़े खड़े आग लगने की घटनाएं आम हो गई हैं। कई राज्यों से आग लगने की समस्या सामने आ रही है। नासिक में एक ट्रांसपोर्ट कंटेनर जितेंद्र ईवी से लोडेड था, जिसमें करीब 40 इलेक्ट्रिक स्कूटर लोडेड थे। उन स्कूटर्स में आग लग गई। ऐसी ही कई घटनाएं सामने आई। सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों में समस्या आने के बाद एक जांच समिति बैठाई गई थी। इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। जांच समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में बैटरी में आग लगने की वजह खराब डिजाइन और बैटरी की क्वालिटी को बताया है। कई ईवी कंपनियों ने अपने वाहनों को रिकॉल करना भी शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को सेफ ना होने और महंगे होने के कारण फिलहाल इतना सक्सेसफुल नहीं माना जा रहा। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की कई घटनाएं हम देख ही चुके हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी ईवी में आ रही इन दिक्कतों पर सवाल उठाया है। नितिन गडकरी ने कहा है, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग की ये शुरुआत है। इस तरह की खराबी और तकनीकी समस्याएं इस उद्योग में बाधा डाल सकती हैं। देश में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इलेक्ट्रिक वाहनों में समस्या आने के बाद ओला इलेक्ट्रिक ने विदेशी विशेषज्ञों द्वारा जांच कराने का फैसला किया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उद्योग के सक्सेसफुल होने के क्या चांस हैं और क्या भारत में ये उद्योग सफल होगा, इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पाइस न्यूज़ भारत, हर खबर आप तक।